हाय एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हम हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते ही हैं, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न का एक एक्नॉलेजमेंट होता है, वो हमें रखना होता है वही मेन डॉक्यूमेंट्स के रूप में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप करंट ईयर का मतलब 2021-22 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट फाइल कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ही ये काम आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम हमारे मोबाइल या फिर लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे ई फिलिंग लिख के हम सर्च करेंगे। तो इसको सर्च करने के बाद देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो पहला वाला लिंक है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पैन नंबर और अपना पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर लिखना है और पैन नंबर लिखने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना है। तो अगर आपका पासवर्ड आप और अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे नीचे फॉरगॉट पासवर्ड इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ पे पहले अपना पैन नंबर देना होगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो इस प्रोसीड्योर की मदद से आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो फिलहाल अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड रीसेट कीजिए और अगर आपको पासवर्ड याद है तो सिंपली अपना पैन नंबर और पासवर्ड देके आप लॉगिन कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पैन नंबर लिखना होगा और पैन नंबर लिखने के बाद नीचे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पैन नंबर लिखा हो गया है। अभी हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड लिखने के बाद इस बॉक्स पे आपको टिक देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए आपका पेज मतलब आपका प्रोफाइल ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे सबसे पहले करंट ईयर का अगर आपने आईटी रिटर्न फाइल किया है तो उसका स्टेटस यहाँ पर दिखाएगा और ऊपर यहाँ पे देखिए ई फाइल ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कीजिए। उसके बाद व्यू फाइल्ड रिटर्न्स इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए जितने भी साल का आपने आईटी रिटर्न फाइल किया है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सिंपली 2021-22 के सेक्शन में आके यहाँ पे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंपली डाउनलोड रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए आपका एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो इस पर क्लिक कीजिए और देखिए आपका आईटी रिटर्न एक्नॉलेजमेंट 2021-22 का डाउनलोड हो चुका है। अभी आप इसको देख सकते हैं और सिर्फ 21-22 का ही नहीं, पिछले सालों का भी आईटी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट आप इस ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।